अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रूहानी वजीफ़ा और हेल्थ। नाज़रीन, आज जो वजीफ़ा मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ वो बहुत ही अच्छा वजीफ़ा और अमल है। शादी, कारोबार या किसी काम से पहले ये लफ्ज़ पढ़ने नुकसान और पछतावा नहीं होगा। नहायत अजमुदा और कामयाब वजीफ़ा है। इब्ने सुन्नी की रिवायत है, उसी में लफ्ज है ला खलापा। वजीफे के लिए ला खलापा एक छोटा सा लफ्ज है। आप चाहते हैं रिश्ता करूं या ना करूं, ये कारोबार करूं या ना करूं, ये काम करूं या ना करूं, ये सफर करूं या ना करूं, ये मामला करूं या ना करूं, उसका अंजाम कैसा होगा, तो आपके दिल में जो काम शुरू करने की बदगुमानी है वो खत्म हो जाएगी। ला खलापा पढ़ने का तरीका सुन ले। ला खलापा, अगर आप चाहते हैं मौला ये अमल मैं करूं या ना करूं, तो आप एक तस्बीह हर नमाज के बाद दुरूद पाक की पढ़ें, उसके बाद एक तस्बीह ला खलापा की पढ़ें, तो अपने मकसद का तस्वुर कर लें, इंशाल्लाह उस मकसद का नतीजा अच्छा होगा। वरना एक तस्बीह सोते हुए अपने मकसद का तस्वुर करके पढ़ लें। ये रिश्ता, कारोबार या जो भी मामला है वो करूं ना करूं, तो ये पढ़ लें। इससे ये नहीं है कि आपकी ख्वाब में कोई चीज आएगी, इससे पढ़ने से आपके दिन में जो काम शुरू करने की बदगुमानी है वो अल्लाह खत्म कर देगा और आपको कभी भी उसका पछतावा नहीं होगा और अल्लाह पाक आपको उसके अंजाम तक पहुंचा देगा और बुरे अंजाम से बचा लेगा। ला खलापा चंद दिन, चंद हफ्ते पढ़ें। अगर कोई मुश्किल या परेशानी आती है तो उसे अल्लाह की तरफ से आजमाइश समझे। मौला तेरी तरफ से अगर आजमाइश आई है वो तो अल्लाह की तरफ से है। आजमाइश तो नबी पर भी आई है। आप इस वजीफे पर अमल करेंगे तो आपकी जो परेशानी है दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। मज़ीद रहनुमाई आप इस चैनल से हासिल कर सकते हैं और अपने मसाइल का हल भी मालूम कर सकते हैं। इसी के साथ अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना ना भूलिएगा। कभी भी उसका पछतावा नहीं होगा और अल्लाह पाक आपको उसके अंजाम तक पहुंचा देगा और बुरे अंजाम से बचा लेगा। ला खलापा चंद दिन, चंद हफ्ते पढ़ें। अगर कोई मुश्किल या परेशानी आती है तो उसे अल्लाह की तरफ से आजमाइश समझे। मौला तेरी तरफ से अगर आजमाइश आई है वो तो अल्लाह की तरफ से है। आजमाइश तो नबी पर भी आई है। आप इस वजीफे पर अमल करेंगे तो आपकी जो परेशानी है दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। मज़ीद रहनुमाई आप इस चैनल से हासिल कर सकते हैं और अपने मसाइल का हल भी मालूम कर सकते हैं। इसी के साथ अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना ना भूलिएगा। परेशानी है दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। मज़ीद रहनुमाई आप इस चैनल से हासिल कर सकते हैं और अपने मसाइल का हल भी मालूम कर सकते हैं। इसी के साथ अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना ना भूलिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना ना भूलिएगा।